हाँ जी प्लीज इधर। तो कलम ने कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन के टाइप जो थे वो हमने देखे थे, राइट। क्या कंडीशन उनकी क्या होंगी वो चीज देखी थी, है ना, कि ए डिटरमिनेंट अगर हमारा नॉन जीरो है तो हमारा क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ए डिटरमिनेंट जीरो है एंड उसके बाद अगर न्यूमरेटर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी जीरो है तो जीरो बाय जीरो केस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड अगर नॉन जीरो बाय जीरो वाला यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉन जीरो हो जाए और डिनोमिनेटर यानी कि ए डिटरमिनेंट जीरो हो जाए तो क्या जाएगा, नो सॉल्यूशन। इसी के बेसिस पे हमने ये बोला था कि इक्वेशंस जो है हमारी या तो कंसिस्टेंट होगी या तो इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली आएंगी कंसिस्टेंट में एंड नो सॉल्यूशन वाला आएगा इनकंसिस्टेंट। हाँ है ना। नेक्स्ट, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा ना ये पहले समझा देता हूं होता क्या है। देखो प्लीज इधर, जो लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, ये होता क्या है, ये होता है प्लेन। तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है। थ्री डी वेक्टर जब आएगा तो उसके अंदर ये इक्वेशन को हम हैंडल करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे अपना नॉर्मल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, ओरिजन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, राइट। यहां पे कोई भी एक ऐसा प्लेन ले लो, कोई भी आड़ा टेढ़ा जो मर्जी एक प्लेन, इनफाइनाइट प्लेन, राइट, ये उस प्लेन की इक्वेशन होती है, राइट। अब अगर मेरे को ये दे रखा हो तो मतलब दो प्लेन्स दे रखे हैं। अब दो प्लेन्स कैसे कैसे हो सकते हैं, राइट, कैसे कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये चीज समझनी पड़ेगी मेरे को, राइट। ध्यान से देखो जरा, देखो तो या तो प्लेन होंगे भैया इंटरसेक्टिंग, तो इनका आंसर क्या आएगा, दो प्लेन्स की मैं बात करो, इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। सोच के बोलो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अरे मेरे को वो एक्स वाई जेड चाहिए जो दोनों में सेटिस्फाई करें, और ये दो ये लाइन आ रही है, जो ध्यान से देखो, अच्छा चलो इसको ऐसे ले लेता हूं मैं, ये जो आ रही है ये क्या है, ये इस प्लेन का और इस प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन क्या आएगा, लाइन। अब जैसे ये दीवार है, ये एक प्लेन है, ऊपर वाली दीवार एक प्लेन है, इनका वो लाइन आ रही है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, और लाइन पे कितने पॉइंट्स लाई करते हैं, इनफाइनाइट, तो इनके कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट। तो दो प्लेन्स अगर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट। ये क्लियर है, श्योर, अच्छा। लेकिन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो, अब दूसरा केस पैरेलल भी हो सकते हैं, राइट, और तीसरा केस कोइंसिडेंट। जो दो लाइंस का केस होता है स्ट्रेट लाइंस का, वही दो प्लेन्स का केस बनता है हमारा थ्री डी में, ठीक है। तो अगर मैं दो प्लेन्स की बात करूं तो दोनों प्लेन्स हमारे इस तरीके से, ये इस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो ये इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ये समझ आ रहा है, राइट। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है, यस सर, राइट। या तो दो प्लेन्स हमारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल, इस तरीके से, ठीक है, और या तो
कोइंसिडेंटल। तो इनफिनिट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशन, ये इनफिनिट सॉल्यूशन सारे के सारे प्लेन वाले पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे इनफिनिट सॉल्यूशन लाइन वाले पॉइंट्स। ये चीज क्लियर हुई? श्योर? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। अब अगर तीसरा प्लेन भी आ जाए, अब केसेस डिस्कस कर रहे हैं हम, अगर तीसरा प्लेन भी आ जाए अच्छा, अब इसको ना मैं इस तरीके से देखूंगा, ठीक है, विजुलाइज करने का तरीका है, ये इंटरसेक्टिंग प्लेन था, बट तुम अगर इधर से देखोगे तो तुम्हें ये एक ऐसे लाइन और एक ऐसे लाइन दिखाई देगी, ये समझ आ रहा है? राइट, है प्लेन 3D में, बट अगर तुम इस तरीके से देखोगे तो तुम्हें एक लाइन और ये एक लाइन दिखाई देगी। तो अब मैं ना इंटरसेक्टिंग प्लेन को इसी तरीके से बनाऊंगा, ये इंटरसेक्टिंग प्लेन है और ये कैसे प्लेन है, ये ऐसे है, ये इस तरफ बाहर आ रहे हैं। आई होप क्लियर हुआ, राइट? अच्छा, ये पैरेलल प्लेन्स, राइट, ये इस तरीके से बाहर की तरफ आ रहे हैं, और ये कोइंसिडेंटल प्लेन्स अगेन इसी तरीके से बाहर की तरफ आ रहा है। ये क्लियर हुआ? श्योर? अब तीसरा प्लेन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अब इसके साथ अगर तीसरा प्लेन इंट्रोड्यूस करूंगा, राइट, तो दो केसेस, दो ने इनफेक्ट ज्यादा केसेस है, ठीक है। देखो, या तो तीसरा प्लेन इन्हीं की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, ये देख लो, तीसरा प्लेन इन्हीं की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, तो स्टिल तीनों के तीनों अब एक ही लाइन से पास कर रहे हैं, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट, बिल्कुल सही। तो तीसरा इसी के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो ये जो चीज है ये इस तरीके से लाइन बन जाएगी बाहर की तरफ, है ना, ये पहले ऐसा प्लेन आ जाएगा, एक ऐसा प्लेन और एक ऐसा प्लेन, और ये बन जाएगा हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस केस में अगेन आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मेरे को मिलेगा कितना? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हाँ या ना, राइट। तो अगर एक प्लेन दो प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, ध्यान से प्लीज इन चीजों को समझना, एक प्लेन बाकी दो की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, एंड इन दैट केस सॉल्यूशन क्या होगा? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्लियर है? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट। अब यार नेक्स्ट, अब ये दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट, तीसरा प्लेन ऐसे आके इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है, जैसे वो कॉर्नर है, एक प्लेन, दो प्लेन, तीसरा प्लेन, तो कितना, क्या सॉल्यूशन आ रहा है? एक पॉइंट, फिर वही कॉर्नर वाला पॉइंट है जो तीनों प्लेन्स पे लाई कर रहा है, मेरे को वो पॉइंट ढूंढना है जो तीनों पे लाई करे। तो अब जैसे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं प्लेन, इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, अब ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये तीसरे प्लेन के साथ सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो जब दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, राइट, दो प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है और तीसरा प्लेन उसको इस तरीके से कट कर रहा है, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? यूनिक सॉल्यूशन, एक सिंगल सॉल्यूशन आया। क्या? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल वही काइंड ऑफ दैट, बिल्कुल सही, है ना। तो अब वो बनाने का ये चीज, अब तीसरा प्लेन ऐसे कहीं तो कट करके जा रहा है, ये समझ आया, और उस चीज को ऐसे यहां पे विजुलाइज कराना बहुत मुश्किल है, वो करा नहीं पाऊंगा, तो इट्स काइंड ऑफ दिस, ये दो प्लेन है इस तरीके से, ये एक ऐसे, ये एक ऐसे, और जो ये वाला प्लेन है ये इस तरीके से ऐसे कट करके जा रहा है, अगेन विजुलाइज नहीं करा पाऊंगा क्योंकि ये ऐसा है और जो तुम्हें दो ऐसी लाइंस दिखाई दे रही हैं और तीसरा प्लेन तुम्हारे लिए ऐसा आ रहा है, तो ये पॉइंट जहां पे कट करके जाएगा
वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी कि इस केस में क्या आएगा हमारा, ये वाला जो पॉइंट आएगा ये आएगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। ये समझ में आया, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, अच्छा इंटरसेक्शन को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा हमेशा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एंड थर्ड प्लेन। क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो जो पहले दो प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आया, उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का तीसरे प्लेन के साथ जो इंटरसेक्शन आ रहा है, ये उस पॉइंट की बात हो रही है। ये समझ में आ रहा है पक्का, ये समझ पा रहे हो, देख लो कंफ्यूजन है तो बोलो, ऑनलाइन किसी को भी अभी तक कंफ्यूजन है इन दोनों केसेस में तो बोलो। जैसे अब ये वाला केस अगर इमेजिन करना ही है ना, तो यहां पे भी कर सकते हो कि जैसे ये छत है और ये दीवार है, अब यहां पे एक प्लेन ऐसे कट करके गया तो एक पॉइंट आएगा और उस पॉइंट की मैं बात करूं, और वो पॉइंट क्या है, जो ऑलरेडी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो एंड जो तीसरा प्लेन है थर्ड प्लेन, इनका पॉइंट ऑफ इनका जो इंटरसेक्शन आएगा ये उस पॉइंट की बात होगी। समझ आया पक्का, ऑनलाइन क्लियर हुआ जे? यस सर। राइट, अच्छा अब ये केस वन आ गया, ये केस टू आ गया। अब अगेन दो इंटरसेक्टिंग प्लेन, इंटरसेक्टिंग प्लेन, अब तीसरा जो प्लेन है भैया वो एक और प्लेन के पैरेलल भी तो हो ही सकता है, हाँ है ना, तो दो प्लेन पैरेलल भी तो हो ही सकते हैं, तो इस केस में नो सॉल्यूशन, इनका अलग से लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है बट वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कभी भी तीसरे प्लेन से टकराई नहीं रही, तो इस केस में क्या आएगा नो सॉल्यूशन, वन टू प्लेन आर पैरेलल एंड तीसरा प्लेन उनको कट करके जा रहा है, ये समझे पक्का, ठीक है। एक और केस है, दो इंटरसेक्टिंग प्लेन, अब तीसरा प्लेन इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से ऐसे कट करके नहीं जा रहा, थोड़ा सा पैरेलल ही जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये पता क्या चीज है, ये ऐसे, हाँ है नो सॉल्यूशन ही, जैसे ये दो इंटरसेक्टिंग प्लेन है, तीसरा प्लेन ऐसा है, ठीक है ना, ट्रायंगल टाइप बन रहा, तो पैरेलल नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, बट इस केस में भी कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पहले दो प्लेन्स का जो सोल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है ये लाइन, अब ये लाइन और ये वाला जो प्लेन है ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, तो इसलिए कोई भी फाइनल सोल्यूशन नहीं आएगा, तो इसका भी नो सोल्यूशन, इसका भी नो सोल्यूशन, हाँ है ना, राइट, क्लियर है यहां तक, राइट। अब आ जाओ केस फाइव, पैरेलल प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स के अंदर एक केस पॉसिबल है कि तीसरा भी पैरेलल ही हो जाए, तो थ्री पैरेलल प्लेन्स नो सॉल्यूशन, ऑब्वियसली नहीं, अगर दो ही इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं तो तीसरा जैसा मर्जी आ जाए सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। अच्छा केस सिक्स, दो पैरेलल और एक इंटरसेक्ट करके जा रहा है लेकिन वो ऑलरेडी कवर अप हो चुका है, ठीक है, अच्छा एक कि दो प्लेन कोइंसिडेंटल हो जाए, जो थर्ड प्लेन आया वो या तो प्लेन्स के साथ पैरेलल हो सकता है या कोइंसिडेंटल हो सकता है या इंटरसेक्टिंग हो सकता है, पैरेलल वाला ये केस हो गया, इंटरसेक्टिंग वाला ये केस हो गया, कोइंसिडेंटल वाला ये केस हो गया, इस केस में स्टिल नो सॉल्यूशन, तो पैरेलल वाला केस खत्म। अब अच्छा कोइंसिडेंटल वाला, दो कोइंसिडेंटल प्लेन है, अब तीसरा या तो पैरेलल हो जाए तो ये केस बन जाएगा, तीसरा इंटरसेक्टिंग हो जाए, अरे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दो प्लेन्स ऑलरेडी ओवरलैप कर रहे हैं और तीसरा ऐसे कट करके जा रहा है तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो आएगा ना अभी भी, ये कहने का मतलब ये सिर्फ दो ही प्लेन्स हो गए जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि तीसरा प्लेन जो है वो तो इन दोनों में से एक के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो काइंड ऑफ दो ही प्लेन्स हो गए जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दो प्लेन्स के इंटरसेक्टिंग का क्या आएगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो यानी कि इधर आएगा अपना इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड वो क्या आएगा ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये आएगा, एंड केस एट तीनों के तीनों अगर कोइंसिडेंट, ऑल कोइंसिडेंट
डेंटल इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई होप क्लियर हुआ, ध्यान से देख लो, कोई भी केस नहीं समझ में आया तो बोलो किस केस में क्या होगा, ये हमें पता चल गया। तो यूनिक सॉल्यूशन कहां कहां पे आ रहा है? एक ही आ रहा है, इसके अलावा नहीं आ रहा। इनफिनिट सॉल्यूशन, ये चीज इनफिनिट सॉल्यूशन, केस सेवन केस एट इनफिनिट सॉल्यूशन। अच्छा, इनफिनिट सॉल्यूशन के अंदर ध्यान से चेक करो, जो मेरा सॉल्यूशन आ रहा है या तो वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है या तो पूरा का पूरा प्लेन आ रहा है, प्लेन इटसेल्फ, राइट? ये समझ में आया? एंड नो सॉल्यूशन का केस, ठीक है, श्योर क्लियर हुआ? विजुलाइज कर पा रहे हो कि पहले केसेस बना लो? केस थ्री एंड केस थ्री एंड केस वन, है ना? तो ये तो दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हो गए। अच्छा, ये वाला चीज मैं बताता हूँ, ये वाली चीज, ठीक है, ध्यान से सुनियो। ये दो पैरेलल प्लेन है ना, तो ये एक दीवार ले और ये वाली एक दीवार ले, ये पैरेलल प्लेन आ गए और ये एक दीवार है, ये कट करके जा रही है ना दोनों पैरेलल प्लेन को, बीच में रख दे कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला प्लेन जो है ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए नो सॉल्यूशन ना, इसलिए नो सॉल्यूशन। मतलब ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं, ये दोनों कर रहे हैं, बट वो दोनों का आपस में कुछ नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। केस सेवन, दो प्लेन कोइंसिडेंटल है और तीसरा उसको कट करके जा रहा, ठीक है ना, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। और बोलो, केस वन में अगर ये दो दीवारें ऐसी गिरा दें, वैसे क्रॉस कट करके आए और एक दीवार ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हां बिल्कुल उसका लाइन। इनफिनिट सॉल्यूशन वाला केस है, ठीक है, और इन दैट केस सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कैसे करना, कल याद है हमने वो उसके अंदर किया था, इनफिनिट सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट टू वेरिएबल टू इक्वेशंस में, तो थ्री वेरिएबल थ्री इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करना वो चीज देखना जरा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मैट्रिक्स सिस्टम में डाला, टू थ्री वन, वन माइनस टू थ्री, थ्री वन फोर इंटू एक्स वाई जेड, दैट इज इक्वल टू सिक्स फोर टेन, राइट? अब मैंने निकाला इसका पहले माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट, तो माइनर क्या आ रहा है, टू का माइनस एट माइनस थ्री माइनस इलेवन, थ्री का फोर माइनस नाइन माइनस फाइव, वन का वन प्लस सिक्स सेवन, वन का ट्वेल्व माइनस वन इलेवन, एट माइनस थ्री टू माइनस नाइन माइनस सेवन, थ्री का नाइन प्लस टू इलेवन, सिक्स माइनस वन माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सेवन, ठीक है। अब ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, राइट? अब इसका करो ट्रांसपोज, माइनस इलेवन फाइव सेवन, माइनस इलेवन फाइव सेवन, इलेवन माइनस फाइव माइनस सेवन, इंटू सिक्स फोर टेन डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है इसका, दिस इंटू दिस, तो माइनस इलेवन इंटू टू, थ्री फाइव द फिफ्टीन, वन इंटू सेवन, तो सेवन एंड फिफ्टीन ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी टू, तो बेसिकली नीचे आ गया जीरो। रो के हो उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके बढ़िया ऐड किया, ए ए फिर वो वहीं से तो आया है, किसी भी रो के एलिमेंट्स को या कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया, राइट? अच्छा, अब ये क्या आ रहा है, माइनस सिक्सटी सिक्स
-44 +110 30 20 -50 42 28 -70 डिवाइडेड बाय जीरो. अब ध्यान से देखो ये क्या आ रहा है, जीरो 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 बाय जीरो. सो बेसिकली इनफाइनाइट सॉल्यूशन. अब जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए, अब उन इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हमें रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए, राइट? उन इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हमें रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए. तो अब उन इनफाइनाइट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ध्यान से देखना. देखो इट्स लाइक कि वो जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, राइट, वो एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इसका. इनफाइनाइट सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, या तो लाइन या तो प्लेन, तीनों के तीनों प्लेन कोइंसिडेंटल. अब तीनों के तीनों प्लेन कोइंसिडेंटल, भैया वही लाइन वाली इक्वेशन कंडीशन चलेगी हमारी कि a1x b1y c1 equal to 0, a2x b2y c2 equal to 0. याद करो दो लाइंस का केसेस क्या क्या होते थे, a1 by a2 is b1 by b2 is c1 by c2, तो कोइंसिडेंटल. तो प्लेन में क्या होगा भैया, यहां पे z है, यहां पे z है, और यहां पे क्या है प्लस d1 equal to 0, और यहां पे क्या है प्लस, तो यहां पे क्या आएगा इक्वल टू d1 by d2. तो ये अगर हो गया तो दोनों प्लेन्स क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंटल, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे. यहां पे तो कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा, ध्यान से चेक कर लो, राइट. टू माइनस यही पे खत्म, इधर आ रहा 2/1 2, इधर 3/-2 -3/2, तो आई नहीं रहा बराबर. अच्छा इधर कर लो 1/3 -2/1, तो ये कोइंसिडेंटल प्लेन्स तो नहीं है. अगर ये कोइंसिडेंटल प्लेन्स नहीं है तो भैया ये तभी जाके इन्फिनिट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है अगर इनका क्या होगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. आई होप ये चीज क्लियर हुई, श्योर. अब उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने का तरीका, ठीक है, या उन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर आने वाले वो इन्फिनिट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा. अब और जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तीनों के तीनों प्लेन वहीं से पास कर रहे हैं, तभी तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना, क्योंकि तीनों के तीनों प्लेन वहीं से पास करेंगे, राइट. तो अगर मैं तीसरा प्लेन हटा भी दूं तो दोनों बाकी जो दो प्लेन्स बचे वो भी तो वहीं से पास कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, कोई भी दो प्लेन्स को पकड़ूंगा, क्योंकि तीसरा प्लेन उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा ही करेगा, तो मैं कोई भी दो प्लेन्स को पकड़ूंगा, लेट से पहले दो पकड़े. तो इसके अंदर मैंने जेड को ले लिया के, अब जेड को के ले लिया, तो जेड को के लेके मेरा क्या बना, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस के, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है. अब मैं इधर x एंड y की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ k, x एंड y की वैल्यू निकालेंगे बट इन टर्म्स ऑफ k. अब देखो जरा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x माइनस 4y दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 6k. अब दिस माइनस दिस किया तो 2x गया, 3y प्लस 4y दैट इज 6 माइनस 8 माइनस 2 माइनस k प्लस 6k प्लस 5k. तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5k माइनस 2/7, ये मेरा y आ गया, राइट. अब यहां से x को x निकाला, क्या आ गया x, ये 2y को उधर ले जाओ, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 3k प्लस 2y, तो प्लस ट्वाइस ऑफ y, यानी कि 5k माइनस 2/7, एलसीएम लेके 7 इधर 7 4 28 माइनस 21k प्लस 10k बाय 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई 24 माइनस 11k 7. तो फाइनल मेरा सॉल्यूशन क्या आ रहा है इसका, ठीक है, ध्यान से देखना जरा. x इज इक्वल टू 24 माइनस 11k बाय 7, y इक्वल टू 5k माइनस 2/7, एंड z इज इक्वल टू, फॉर k बिलोंग्स टू ऑल दी, तो जो r को k को पुट करोगे 1 2 3 4 जो मर्जी, यहां पे जो x y z के ट्रिपलेट आएंगे वो सारे के सारे ट्रिपलेट तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बात खत्म. क्योंकि
वो ये वाले ट्रिपलेट तो पहली दो को तो करेंगे, अब थर्ड भी उन्हीं के पॉइंट से लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तो थर्ड भी उसको करेगा ही करेगा जो मर्जी हो जाए। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन को अब रिप्रेजेंट करने का तरीका है इन केस ऑफ थ्री इक्वेशंस। आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ ये मेथड? यस सर। Yes. स्कूल लेवल पे ये वाली चीज एंटरटेन नहीं होती है इनफिनिट। स्कूल लेवल पे हमेशा हमारे आएगा यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा, बट इनफिनिट नो सॉल्यूशन को, नो सॉल्यूशन तो देखो रिप्रेजेंट किया नहीं जा सकता, इनफिनिट को कैसे रिप्रेजेंट करना वो मैंने बता दिया। ये क्लियर है? जल्दी नोट करो। यस, हेडिंग दे दो होमोजीनियस इक्वेशंस। ये लास्ट पार्ट है इसका, होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, ये वही साइमल्टेनियसली सोल्व करने वाला पार्ट है लीनियर इक्वेशन का, बट कौन सी लीनियर इक्वेशन? होमोजीनियस, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को। अब एक्चुअली में होमोजीनियस वर्ड का मतलब होता है सेम डिग्री। अब यहां पे देखो जरा, तो इसकी डिग्री क्या है? वेरिएबल है, उसकी पार वन है। इसकी इसकी कांस्टेंट की डिग्री? तो ये अभी होमोजीनियस नहीं है, हमें सेम डिग्री बनानी है। तो एक्चुअली में अगर कांस्टेंट वाला पार्ट जीरो हो गया, अब इसकी डिग्री क्या जाएगी? वन वन वन। जीरो की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। जीरो की डिग्री डिफाइंड नहीं होती। अच्छा अब एक काम करो, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये चारों टर्म्स सेम डिग्री के नहीं है, तो एक काम करो इसको इधर ले आओ। क्या बन जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू डिग्री वन डिग्री वन। एक्चुअली में ये होमोजीनियस ही है। आई होप क्लियर हुआ। ये होमोजीनियस है, मतलब इसके अंदर हर एक टर्म की डिग्री क्या है? सेम वन। आई होप क्लियर हुआ। तो ऐसी तीन इक्वेशन को सोल्व करना है। तो अब ध्यान से देखना, ये थोड़ा ना और इंटरेस्टिंग है। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू जीरो, एंड ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो। अब यार याद रख लो, आज के बाद कोई भी इक्वेशन अलजेब्रिक जिसके अंदर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है वो हमेशा कहां से पास करेगी? ओरिजिन से। जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, इधर भी इधर भी। तो मतलब इन तीनों का एक सॉल्यूशन तो है ही है, ओरिजिन जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो। तो इस केस में होमोजीनियस के केस में नो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं, आ ही नहीं सकता। आई होप क्लियर हुआ। डाउट है? ओके, हाथ खड़ा किया तुमने, मेरे को कैसे पता? तो इस केस में फिर दो चीजें जा सकती है, या तो इन्फिनिट सॉल्यूशन या तो यूनिक सॉल्यूशन। ये समझे? पक्का? अब यार इनको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करनी है, ठीक है? केसेस निकालो जो पहले हमने देखे थे, एट केसेस। उसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केसेस ध्यान से देखना जरा। एक ये आ गया इनफाइनाइट केसेस वाला, ठीक है? राइट, तीनों को इंसिडेंटल, दो को इंसिडेंटल, एक इंटरसेक्टिंग, ये तीनों एक ही लाइन से इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं। इसके अलावा कोई केस है? चेक कर लो जरा इनफिनिट का। नहीं? अच्छा, और यूनिक का तो यही था, और इसको ऐसे कट करके जा रहा कोई प्लेन, राइट? अब देखो पहले इन दोनों के केसेस में देखो, इनफिनिट सॉल्यूशन के केस में इसमें क्या आ रहा है? लाइन, ये लाइन। अब यार ये लाइन के अंदर बेसिकली ये कौन सी लाइन होगी? देखो चाहे इंफिनिट सॉल्यूशन हो चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो, भैया ओरिजिन तो इन इसको सेटिस्फाई करेगा करेगा। मतलब अगर इंफिनिट सॉल्यूशन हो भी गए, ओरिजिन उस इंफिनिट सॉल्यूशन का पार्ट होगा ही होगा, हाँ या ना? उन इंफिनिट सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन तो जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो आएगा ही आएगा, हाँ या ना? पक्का? क्योंकि देखो चाहे यूनिक है चाहे इन्फिनाइट है, ये जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो को तो हमेशा सेटिस्फाई करेंगी ही करेंगी,
हाँ या ना, ऑनलाइन क्लियर हुआ जे? राइट पक्का? नाउ इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक्चुअली में लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन, यहाँ पे जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन है, यहाँ पे जो प्लेन आ रहा है वो ओरिजिन से पास करने वाला और ओरिजिन इटसेल्फ अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो, ये समझे? तो दो टाइप के सॉल्यूशन, यूनिक 0,0,0, इनफाइनाइट या तो लाइन या तो प्लेन, और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में मेरा 0,0,0 तो हो गई होगा लेकिन बाकी नॉन जीरो सॉल्यूशन भी आ सकते हैं, मतलब अगर इनफाइनाइट है तो बाकी नॉन जीरो सॉल्यूशन आएंगे, और वो नॉन जीरो सॉल्यूशन कौन से होंगे? जो ओरिजिन से पास, अगर ये दो केसेस है, ओरिजिन से पास करने वाली लाइन के ऊपर आने वाले बाकी सारे के सारे पॉइंट्स नॉन जीरो पॉइंट्स होंगे, और वो सारे के सारे यस इनका सॉल्यूशन होगा ही होगा। आई होप क्लियर हुआ, श्योर? अब मैं पहले यूनिक सॉल्यूशन का एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर इनफिनिट सॉल्यूशन का एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? देखो जरा। अच्छा, अगर मैं इनको एक्चुअली में सॉल्व करने की कोशिश करूं अपने स्टैंडर्ड मेथड से, जो अभी तक हमने मेथड देखा था, क्या जाएगा इसका? ए वन बी वन सी वन ए टू ए थ्री बी थ्री इंटू एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू 0,0,0 नल मैट्रिक्स, है ना? तो बेसिकली मेरा x क्या जाएगा? एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी बाय a डिटरमिनेंट, हाँ या ना? अब भैया एक चीज ऑब्जर्व करो, इसमें b हमेशा क्या है? b हमेशा क्या है? नल मैट्रिक्स, यानी कि ये प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? तो होमोजेनियस के केस में ये तो हमेशा ही जीरो होगा, इसमें कोई डाउट? अब दो केसेस, या तो डिनोमिनेटर भी जीरो हो जाए या तो डिनोमिनेटर अगर ना इसके अंदर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज ऑलवेज जीरो। अब इसके बाद दो केसेस, या तो ए डिटरमिनेंट जीरो या तो ए डिटरमिनेंट, अगर ए डिटरमिनेंट भी जीरो हो गया तो जीरो बाय जीरो, तो ये उन तीन केसेस को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ये नॉन जीरो तो जीरो बाय नॉन जीरो, जीरो जीरो जीरो, दैट्स इट। इस केस में आएगा यूनिक सॉल्यूशन, और इस केस में तो यहां पे अपने आप ही हमारा नॉन जीरो बाय जीरो वाला केस बना ही नहीं, यानी कि नो सॉल्यूशन वाला केस बन ही नहीं सकता इसके अंदर, क्योंकि ओरिजिन वैसे भी पता है, होमोजेनियस इक्वेशन में ओरिजिन तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तो एक ना एक सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा, तो नो सॉल्यूशन वाला केस हो ही नहीं सकता। आई होप क्लियर हुआ, तो यहां से भी क्लियर हो गया, दो ही टाइप के सॉल्यूशन है, इनफिनिट या यूनिक। और अगर यूनिक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो यहीं पे मेरे को क्लियर है कि वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? जीरो सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होगा? ट्रिवियल। ट्रिवियल को बोलते हैं जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन, 0,0,0। आई होप क्लियर हुआ। अब इस केस में जो सॉल्यूशन आएगा उसमें 0,0,0 प्लस नॉन जीरो सॉल्यूशन, क्योंकि इन्फिनिट सॉल्यूशन है ना, उन इन्फिनिट सॉल्यूशन में 0,0,0 तो होगा ही होगा, बट बाकी सारे के सारे नॉन जीरो भी, मतलब इसके अंदर ट्रिवियल प्लस नॉन ट्रिवियल दोनों होंगे। तो अगर तुम्हें ऐसी इक्वेशंस के साथ बोला जाए कि ऐसी इक्वेशंस का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो एक्चुअली में सिर्फ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, नॉन ट्रिवियल प्लस ट्रिवियल होगा ही होगा। और अगर उसने नॉन ट्रिवियल की बात की, मतलब वो इनफिनिट सॉल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? जीरो। कोई दिक्कत? ये कंडीशन समझ में आ रही है? चलो पहले ये नोट कर लो। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यजोर पालक मैत्री बिशव शिखा गुड।
ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। ठीक, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस के जो दो टाइप के सॉल्यूशन हैं, इनफिनिट या यूनिक, किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिटरमिनेंट, जीरो या नॉन। तो मैंने बस इसका डिटरमिनेंट निकालना है, टू थ्री माइनस फोर, वन वन माइनस वन, थ्री माइनस वन, इसका डिटरमिनेंट निकाला, टू इंटू सेवन प्लस सेवन माइनस वन सिक्स, माइनस थ्री इंटू सेवन प्लस थ्री टेन, प्लस माइनस फोर इंटू माइनस वन माइनस थ्री ट्वेल्व, माइनस थर्टी प्लस सिक्सटीन, तो कितना आ गया? तो नॉन जीरो, तो यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, दैट मींस ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, डन, यहीं पे खत्म है। ये समझ में आया? पक्का? नाउ सेकेंड, ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो इसका डेल्टा निकाला, क्या रहा डिटरमिनेंट? टू थ्री वन, वन वन माइनस वन फाइव, टू इंटू एट, माइनस थ्री इंटू सिक्स, प्लस वन इंटू सेवन माइनस फाइव टू, सिक्सटीन माइनस 18 प्लस 2 जीरो, तो इनफिनिट सॉल्यूशन। अब उन इनफिनिट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी आना चाहिए, राइट? अच्छा, ये देखने में पता चला कोइंसिडेंटल प्लेन्स तो नहीं है, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 equal to d1 by d2 तो नहीं है, तो इनफिनिट सॉल्यूशन तो मतलब अपना कोइंसिडेंटल प्लेन्स वाला केस तो नहीं है, तो इनका जो ऑब्वियसली आएगा वो आएगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, वो इनफिनिट जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, वो जो इनफिनिट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रीजन से पास करने वाली लाइन होगी, तो ट्रिवियल प्लस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, राइट? अब उसको रिप्रेजेंट भी करना है, अगेन सेम तरीका, दैट इज जेड को क्या ले लो, पहली दो इक्वेशंस पकड़ी, जेड को ले लिया मैंने के, क्या बन गया मेरा 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस के, एक्स प्लस वाई इक्वल टू के, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू दिस माइनस दिस कर दिया, क्या आ गया? ये गया 3y माइनस 2y, दिस माइनस दिस माइनस माइनस 3k। अच्छा, यहां पे y की वैल्यू माइनस 3k पुट कराई, माइनस 3k प्लस k, तो x की वैल्यू, तो 4k कोमा माइनस 3k कोमा k, ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन आया, वेयर k बिलोंग्स टू ऑल दिस, दैट्स इट। अब इसके अंदर k को जीरो पुट करो तो क्या आ रहा है ये? तो वो भी तो आएगा ही आएगा इन इनफिनिट सॉल्यूशन का पास, I hope clear हुआ, and yes, it's a line through origin. तो infinite solution, unique solution. I hope clear हुआ. Note कर लो. Online clear है यहाँ तक? Yes sir. Good.